स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। मैंने 20 साल की उम्र में एक महंत को दीक्षा दी 1970 में। उसके हजारों शिष्य थे। उस महात्मा की उम्र 85 साल थी। जब उनके शिष्यों ने महात्मा को बोला, ये लड़का है अभी आप इससे दीक्षा ले रहे हो, आपके हजारों शिष्य, बोला ज्ञान के लिए कोई उम्र का तकाजा नहीं होता है, अगर इनके पास वो तत्व है तो मैं इनको अपना गुरु धारण कर लूँ। उस महंत ने दीक्षा ली थी। आपको बताना चाहता हूँ, जो शरीफ है ना, वो कुछ जवान भी इतने शरीफ हैं कि क्या बताऊँ। जो बदमाश है ना, वो 80-80, 90-90 साल के बूढ़े भी ऐसे करेक्टर लेस हैं कि क्या बताऊँ। उम्र का इससे कोई असर नहीं पड़ता। खैर, मैंने कहा आपको आत्मज्ञान दूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा परिश्रम बेकार जाएगा। बोला तन मन धन दो। अब तन की ये ज़रूरत पड़ी, ठीक है, अगर कोई महापुरुष सत्संग करते हवा हो जाए तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए इंसान को इंसान ही समझा सकता है, इसलिए वो इस शरीर में रहते हैं, नहीं तो अपने देश चले जाएंगे। वो परमात्मा के इस आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा अडोल है, अबोल है, अभिचल है, निर्द्वंद है। मुसलमानों में एक मान्यता है, खुदा इस धरती पर कभी ना आया न कभी आएगा, तो फिर कबीर साहब के बारे में क्या ख्याल है। मुझसे कोई पूछे, आप कबीर साहब को क्या मानते हैं, मैसेंजर मानते हैं, संत मानते हैं, या सर्वोच्च सत्ता? अभी कंट्रडिक्शन हो जाएगा। मैं उन्हें सर्वोच्च सत्ता मानता हूँ। आप कहेंगे अभी अभी आपने कहा कि वो सर्वशक्तिमान न पृथ्वी पर कभी आया न आएगा, वो अडोल है, अबोल है, अभिचल है, निर्द्वंद है, अपने में स्थित है। कंट्रडिक्शन। आओ मैं बता दूँ, जब काल पुरुष ने आदिशक्ति को निकला तपस्या करके, तो पहले वो पूर्व जी से भी जबरदस्ती सृजन का सामान निकाला। अनुराग सागर की कथा में आपने सुना होगा, पर परम पुरुष ने क्षमा कर दिया। बाद में उसने तीसरी बार 64 युग तपस्या कर ली, आत्माएं मांगी, तो परम पुरुष ने आदिशक्ति को उत्पन्न किया, और ये सब आत्माएं लेकर, इसलिए उन्हें जगत जननी आदि माँ भी कहते हैं, इन सभी आत्माओं को लेकर वो आई थी। कहा सत्य सृष्टि करना, निरंजन ने सभी जीव मांगे, आदिशक्ति ने कहा ऐसा नहीं बोला गया है, सत्य सृष्टि करना। निरंजन आदिशक्ति को निगल गया, क्या किया, जैसे ब्लैक होल बाकी तत्वों को अपने में डिस्लूट करता है, ऐसे कर दिया आदिशक्ति ने, लेकिन सुरती की परम पुरुष की, परम पुरुष को ध्यान आया, ओ निरंजन ने पहले भी ये काम किया, अब ऐसा किया। तब विचार की पुरुष की मेट दारू कार को, परम पुरुष ने कहा ये नेगेटिव ताकत है, इसको मिटा देता हूँ। पर फिर विचार किया, कहा अगर इसको मिटाऊंगा 16 पुत्रों को मिटाना पड़ेगा, एक ही नाल में है। अब मेटत ये नाम बने, करूं शब्द प्रतिपाल, परम पुरुष ने कहा इसने 14 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य भी इसे मैं दे चुका हूं, अब इसे मिटाना नहीं है। वचन करूं प्रतिपाल, मोर दर्श अब नाल है, ये सतलोक नहीं आएगा। तब परम पुरुष ने उसे वहां से निकालने के लिए क्या किया, परम पुरुष ने सोचा 16 के 16 पुत्रों में से सबसे ज्यादा ताकत इसको है,
कोई भी इससे टक्कर नहीं ले पाएगा, इसने बड़ा तप किया है। तब परम कृष्ण ने क्या किया, अपने को मथा, बाकी तो शब्द से पुत्र उत्पन्न थे, पर अभी परम कृष्ण ने अपने को मथा। जैसे हम दही को मथ करके मक्खन निकालते हैं, और ज्ञानी साहेब को निकालते, कहे ज्ञानी निरंजन बड़ा प्रबल हो गया तपस्या के कारण, इसको मानसरोवर से और सतलोक से उस पैंट से निकाल के फेंक दो बाहर। तब साहब आए थे, अब आप फैसला करो कि वो क्या थे, मेरा तर्क कैसा है, जो मेरे तर्क से सहमत है हाथ खड़ा करें। और अनुराग सागर संत आइडियोलॉजी की जान है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें पूरे सृजन का वृतांत समझ में आएगा, इसलिए वो शब्द में कंट्राडिक्शन नहीं है, कभी आया भी नहीं, इसलिए साहब आए, वो पूरी ताकत थी उनकी। पर हमेशा यही कहे पुरुष मोह जो आज्ञा देना, कबीर साहब ने अपने आप को परम पुरुष बोला नहीं, पर वो एक कई जगह बोले हैं पूरा सृजन मेरा है। मुझसे एक आदमी ने कहा, आपके शिष्य आपको कबीर का अवतार मानते हैं। बोला मैंने कभी अवतार पवतार की बात ही नहीं किया। बोला आपने कहा होगा तभी तो कर रहे हैं, कह रहे हैं। मैंने बोला मेरे प्रीचिंग में आप सुनना, कभी नहीं बोला मैं, कभी बोला मैं तो अपनी पूरी जीवनी भी बताता हूँ, मैंने तो बोला नहीं। बोला फिर आप उनको रोकते क्यों नहीं है, वो मेरा ध्रुव विरोधी था, उसकी बातचीत संवाद से पता चल रहा था, बहुत बड़ी ईर्ष्या रखने वाला था। मैंने बोला मेरा नाम है मधु, सन्यासी हमारा मार्ग सन्यास मार्ग है, इस गद्दी पर ग्रस्त नहीं आएगा सन्यासी, इसलिए परमहंस सन्यासी हम। परमहंस दो तरह के, एक वेदांती परमहंस है, एक अध्यात्म के परमहंस है। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो वेदांती परमहंस थे, मेरे गुरुदेव जो परमहंस थे वो अध्यात्मवादी परमहंस थे। इसलिए मैं अपने नाम के पीछे सिर्फ लिखता हूँ, ना अपनी जात लिखता हूँ, ना अपना गोत्र लिखता हूँ, ना अपना कुल, मधु परमहंस। पर मेरे शिष्य मेरे नाम के साथ श्री लगाते हैं, मैं खुद तो कभी श्री नहीं बोला आपने को। कुछ शिष्य मेरे नाम के आगे स्वामी मधु परमहंस लिखते हैं, भला मैं क्यों मना करूं। आदमी गुरु को ईश्वर के तुल्य मानता है, वो रिस्पेक्ट दे रहा है, उसकी मर्जी है। फिर मेरे कुछ शिष्यों ने मेरे नाम के पीछे सदगुरु मधु परमहंस लिखना शुरू किया। आप मेरी राइटिंग में कभी भी मेरे नाम के आगे कुछ सम्मानजनक शब्द लिखे नहीं पाएंगे। सीधा मुझसे कोई पूछता है कौन बोल रहे हो, तो मैं कहता हूँ मैं मधु परमहंस बोल रहा हूँ। अपने को श्री कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, अपने आप को जी बोलना बहुत बड़ी मूर्खता है। मैंने कभी नहीं कहा मैं श्री मधु परमहंस बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा मैं सदगुरु मधु परमहंस बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा मैं स्वामी मधु परमहंस बोल रहा हूँ। सीधा सा नाम मेरा छोटा सा मधु है, भी अटपटा, ये तीन नाम बड़े अटपटे हैं। एक ज्योति, हमारे पुरुष भी है तो आदमी भी है ज्योति। एक सुमन, आदमी भी है तो औरत भी है, सुमन सिंह भी है, सुमन देवी भी है। एक मारे ये मधु, और लड़कियां भी है और पुरुष भी है मधु। ये तीन नाम बड़े अटपटे हैं। मैं अपने शिष्यों से क्या आकांक्षा चाहता, मेरी आकांक्षा क्या है, मैं शिष्यों से क्या चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ जो मोटा तगड़ा सुंदर है वही ज्ञानी होगा ना। मैं ऐसा भी नहीं मानता हूँ जिसके मांस और हड्डियाँ ज़्यादा है वही ज्ञानी होगा ना। ऐसा भी नहीं मानता हूँ जिसके पास बहुत धन है वो ज्ञानी होगा, वो तो और फंसा हुआ है, उसने तो पूरी उमरिया और पूरी एनर्जी धन में लगाई है। मैं ऐसा भी नहीं मानता हूँ जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है वो ज्ञानी होगा ना, उसने तो वंशक विद्या का अध्ययन किया। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ,
एजुकेशन इज एसेंशियल इन एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ, लेकिन हम इस वंचक विद्या द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। जब स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के पास पहुँचे, अष्टानंद जी महाराज के पास मथुरा में, तो वेदों के बड़े ज्ञाता थे, अपने साथ चार वेद बगल में लिए हुए, उन्हें उनके गुरु सूरदास थे, दरवाजे पर दस्तक दी। क्योंकि ताकि वो जान जाए कोई आए हैं, चक्षुहीन थे, विरजानंद महाराज, विरजानंद महाराज उनके गुरु थे। विरजानंद महाराज ने कहा, कौन? दयानंद सरस्वती जी ने कहा, यही तो जानने आया हूं। जब विरजानंद महाराज ने पूछा कौन, दयानंद जी ने जवाब दिया, यही तो जानने आया हूं। कि कौन? को अहम, हुए मैं, यही तो दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। जब सुखदेव अष्टावक्र जी के पास पहुंचे, आप भी सुनना आत्मज्ञान, कैसे दिया आत्मज्ञान? ये नहीं दिखाया, देख हे सुखदेव, ये तेरी आत्मा है। अगर यूं दिखाया तो फिर तो झंझट है, एक देखने वाला हुआ, एक आत्मा हुई, एक दिखाने वाला हुआ, आत्मा का कोई दृष्टा नहीं, यानी आत्मा को कोई देखने वाला नहीं है। आत्मा, आप किसी की आत्मा नहीं देख सकते हो। हाँ, जब सतलोक पहुंचाओगे तो आपको दूसरे में भी वो आत्मा दिखेगी। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब दूसरे की आत्मा आप देखेंगे, अन्यथा आपको आत्मा किसी की नहीं दिखेगी। आत्मा का कोई साक्षी नहीं है, उसका विटनेस नहीं है, आत्मा का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए अनिर्वचनीय कहते हैं, यानी अकह है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। क्यों? हमारी इंद्रियां, कर्म ज्ञान इंद्रियां भौतिक पदार्थों का वर्णन कर सकती हैं, इनकी पहुंच यहाँ तक है, वो आत्म तत्व के विषय में, वो पंच भौतिक तत्वों से परे होने के कारण आत्मा अपनी साक्षी खुद है, आत्मा की कोई गवाही नहीं दे सकता है। इसलिए वैज्ञानिक यहाँ हार गए हैं। वैज्ञानिक लोग पार्टिकल्स, पांच तत्वों का ज्ञान रखते हैं, उसके आगे उनकी पहुंच नहीं है। मच्छर 40 फीट तक उड़ सकता है ऊपर, उसके बाद जा ही नहीं सकता है, दो मंजिल के बाद मच्छर नहीं जा सकता। इसी तरह मैंने कहा, राजा जनक ने जैसे ज्ञान दिया सुखदेव को आत्मा क्या, वो सुनो, और ऐसे ही पल में अष्टावक्र ने भी राजा जनक को ज्ञान दिया था। अष्टावक्र को ज्ञान कैसे दिया? अष्टावक्र ने ज्ञान दिया राजा जनक। राजा जनक ने भी यही बात बोली थी, जो मुझे पल भर में आत्मा का ज्ञान दिखाएगा उसको आधा राज्य दे दूंगा। अष्टावक्र ने कहा, मैं पल भर में आपको आत्मा का ज्ञान दूंगा। जनक ने कहा, ठीक है। बोला, हे जनक, तू मुझसे ज्ञान चाहता है, मैं तेरा गुरु हो जाऊंगा, गुरु दक्षिणा में मुझे पहले तन मन धन दे दो, तब आत्मज्ञान दूंगा। ये तीनों क्यों मांगे वो सुन। बोला, ठीक है, दिया। बोला, सच्चे हृदय से? बोला, हाँ। हे जनक, अब तुम मेरे हो गए, तुमने तन मन धन तीनों दिया, ये क्यों लेते हैं? इन्हीं के कारण आत्मा अपने को नहीं जान पा रही है, वो अपने को शरीर को कहती है मैं हूँ, अपने धन में आ सकती है, मन से संकल्प। बोला, हे जनक,
तन मन धन मेरा हुआ। अब तू मत सोचना कि मैं शरीर हूँ, तुमने ये मुझे दे दिया। बोला हाँ। बोला धन भी मेरा हुआ, तुम मत सोचना कि ये राज्य तुम्हारा है अभी। बोला ठीक है। बोला है जनक खबरदार, मन भी तूने मुझे दिया है। मन के चार रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस मन से कुछ भी इच्छा न कर, अभी बंद कर। बोला हे जनक सावधान, बुद्धि से कोई निर्णय नहीं करना, ये मेरी है, इसको स्टॉप कर। बोला ठीक है। बोला खबरदार, चित्त से कुछ भी याद किया, कुछ याद नहीं करना, सावधान, कोई क्रिया मत करना अभी, न देखना न सुनना न बोलना न चलना, क्रिया स्टॉप करो। बोला किया। बोला आंख बंद कर, देख क्या है, बाकी क्या है। बोला आत्मज्ञान हो गया। ये था पल में आत्मा का ज्ञान देना। अब आत्मज्ञान दिया, कोई समझा सकता है कि इसमें आत्मज्ञान कैसे मिला? अष्टावक्र ने कहा आंख बंद कर, देख अभी बाकी क्या है, वो आत्मा। उसने कहा हाँ, आत्मज्ञान हो गया। कोई एक्सप्लेन करेगा, कोई समझाएगा मुझे कैसे आत्मज्ञान मिला? यही कठिन है। हाँ पाटिल, आप शरीर नहीं है, ध्यान में भी तो इसलिए बिठा रहे हैं ना, आत्मज्ञान के लिए आदमी ध्यान में क्यों बैठ रहा है? वो सुनो, मैं इनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, बड़े गुरुमुख आदमी हैं, बैठ जाइए। आखिर आपकी आत्मा कहाँ है? यहीं तो है। एक पल में अष्टावक्र ने जनक को आत्मा का ज्ञान दिया। आप आत्मा को सिर्फ इसलिए तो नहीं मान रहे ना, जान रहे ना कि आप अपने को शरीर माने हुए, इस तरह कैसे आत्मज्ञान मिला? इन आदमी ज्ञान आत्मा को जानने के लिए क्या करता है, उपक्रम क्या है? अंधेरे को मिटाने का उपक्रम क्या है भाई? अंधकार की निवृत्ति के लिए आदमी क्या करता है? रोशनी ना। आत्मज्ञान के लिए क्या करता है आदमी? उपक्रम क्या है? आप चलने के लिए क्या करते हो? चलने का उपक्रम क्या है? पांव आगे बढ़ाते हो। देखने का उपक्रम क्या है? आंख से देखो। बोलने का? इस तरह ध्यान आत्मज्ञान का उपक्रम है क्या? ये सर्वमत सिद्धांत है, ध्यान एकाग्र करना। क्यों? जो शुद्ध ध्यान है वो आत्मा है। इसके अलावा संकल्प विकल्प जितने हैं ये सब मन है, उन सब के अलावा जो बाकी बचा वो आत्मा है। ठीक है, आत्मा ऐसे निकाल कर नहीं दिखाई थी, ले जनक ये तेरी आत्मा। इन सब के स्टाप के बाद जो शुद्ध चेतना बचती है, सुरती चेतना, वो आत्मा है। ये दिया था आत्मज्ञान। जिनको समझ में आया हाथ खड़ा करें। आपने ये सुना होगा कि राजा जनक को अष्टावक्र ने आत्मज्ञान दिया था। वो ये सूत्र था, इसलिए आप ध्यान में एकाग्र क्यों बैठ रहे हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सब के निग्रह होने के बाद जो शेष बचा वो आत्मा है। यही ज्ञान जब सुखदेव को दिया तो वो कहता है मैं तो ये जानता था। बोला जानने के बाद भी तुझमें ब्रह्म था, इसलिए मैंने तेरा वहम खत्म किया। आइए आगे चलता हूं। अब साहब क्या करें? काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं समझाए, मैं खींचू सतलोक को ये बांधा जमपुर जाए। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे घर गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मैं आपको सच बताता हूं, जब आप संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे एक भी काम नहीं रुकेगा।